अहमद, कैसी रही आज की परफॉर्मेंस? आपने हाफ सेंचुरी स्कोर की है, आज क्या फीलिंग है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि आज थ्री डे मैच था, सेकंड डे, तो अल्हम्दुलिल्लाह रन्स भी हुई और दोनों का पार्टनरशिप लगी मेरा और रजा की। जब बैटिंग कर रहे थे रजा के साथ, तो क्या प्लानिंग चल रही थी? जी बिल्कुल, यही था कि दोनों ने यही बात की कि इंशाल्लाह हम एंड तक लेके जाना है और रन्स हुई है। आप वैसे बॉलिंग ऑलराउंडर हो, तो जब बैटिंग में रन करते हो तो कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है? जी बिल्कुल, बॉलिंग ऑलराउंडर कोशिश यही करूंगा कि दोनों में अच्छी परफॉर्म करूं, बॉलिंग में भी आउट करूं और रन भी करूं साथ। तो बॉलिंग भी की आपने पहले दिन, कैसा आपने एक्सपीरियंस रहा आपका बॉलिंग का गज़ाफी स्टेडियम में थ्री डे मैच में? जी बिल्कुल, बॉलिंग इतना अच्छा नहीं हुई और कोशिश यही है कि इंशाल्लाह सेकंड इनिंग में अच्छी परफॉर्म करूँ, कम बैक करूँ। अंडर 16 से आप खेलते आए हो, परफॉर्म करते आए हो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी, इस दौरे पे जब आप जा रहे हो बांग्लादेश के, तो क्या चल रहा है जहन में, क्या प्लान होगा? जी बिल्कुल, अंडर 16 में मैंने अच्छी परफॉर्म की और ये मेरा पहला साल है, कोशिश यही करूँगा कि बांग्लादेश जाके और इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्म करूँ अपनी टीम के लिए एज ऑलराउंडर। बॉलिंग ऑलराउंडर आपको लोग रेट करते हैं, पर जैसे आज आपने बैटिंग की, लगता है कि बैटिंग में भी आपको काफ़ी एतमाद है, तो यही कोशिश होगी कि दोनों में मेहनत जारी रखो या इस वक्त बॉलिंग पे फोकस ज़्यादा है? जी बिल्कुल, दोनों में कोशिश करूँगा, जिस तरह पहले बॉलिंग आता है तो कोशिश यही करूँगा कि बॉलिंग में अच्छी बॉलिंग करूँ, अपने टीम के लिए आउट करूँ, और बैटिंग की बारी आता है तो कोशिश यही करूँगा कि टीम के लिए अच्छी रन करूँ। और उसके बाद फ्यूचर एम्बिशन कुछ बताओ इसके बाद? जी बिल्कुल, फ्यूचर में यही कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छी क्रिकेट खेलना है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। थैंक यू वेरी मच अहमद। थैंक यू।